अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्रम स्टिक की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले चिकन को बॉईल कर लूँगी। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, 200 ग्राम मैंने लिया है। इसको मैं इस पर डाल दूँगी। वन टीस्पून इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। वन टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूंगी। पहले मैंने एक 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है, अब ये मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ। ये भी 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा चिल्ली सॉस। ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करने के बाद 1 कप मैं इसमें वाटर शामिल करूंगी और इसको बॉईल कर लूंगी। बॉईल करके इसको मैं श्रेड करूंगी। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। तकरीबन 15 मिनट्स में ये बॉईल हो जाएगा। वन टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट शामिल करूंगी। जब तक चिकन बॉईल हो रहा है तो हम पोटैटो को मैश कर लेंगे। 1 पाव के करीब मैंने पोटैटो लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके इसकी स्किन उतार देंगे। अब मैं इसको मैश करूंगी। चिकन बॉईल हो गया है, ये देखें, श्रेड कर लेंगे। श्रेड करके अभी जो मैंने पोटैटोस को मैश किया है उसमें ऐड कर देंगे इसको। चिकन श्रेड हो गया है, अब मैं इसके अंदर ये बॉयल मैश आलू ऐड करूंगी। अब इसके अंदर मैं स्पाइस ऐड करूंगी। पोटैटो इसके अंदर ऐड करके मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी भुना और कुटा धनिया। ऐड करने के बाद मैं इसमें 7 से 8 ग्रीन चिल्लीज़ को मैंने क्रश किया है ये ऐड कर दूंगी। इसकी प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, ये ऐड कर दूंगी इसके अंदर में। हाफ टी स्पून में इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट शामिल करूंगी। सॉल्ट 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स ऐड करके तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका मैं बैटर तैयार करूँगी और इसे डीप फ्राई करूँगी। अब
ड्रमस्टिक बनाने के लिए मैं इसका बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर तैयार करने के लिए मैंने 1 egg को बॉल में तोड़ लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/4 teaspoon इसमें मैं सॉल्ट शामिल करूँगी, 1 tablespoon सिरका, 1 tablespoon मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस और 1 tablespoon ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिल्ली सॉस। फोर टेबल स्पून मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करूंगी, 1 tablespoon ही मैं इसके अंदर मैदा शामिल करूंगी। अब इन चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। बैटर अभी थिक है, इसके अंदर मैं हद ज़रूरत पानी ऐड करूंगी। बैटर तैयार हो गया है, देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखें, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो। अब हम ड्रमस्टिक बनाएंगे। ड्रमस्टिक को शेप देने के लिए हम ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे, ये हसब ज़रूरत लिए हैं मैंने। और ये बैटर आपके सामने अभी मैंने तैयार किया है, ये वो है, ये इस तरह की आइसक्रीम स्टिक्स ले लें आप हसब ज़रूरत। ये तमाम चीज़ें हमने एक जगह कर ली थी। अब मैं इसको शेप दूंगी। शेप देने के लिए मैं हाथों को ऑयल से ग्रीस करूंगी। अब हसब ज़रूरत ले लें आप। अब स्टिक लेंगे, आइसक्रीम स्टिक, इसको इस तरीके से लगाएंगे इसके अंदर और इसको इस तरह करके शेप दे देंगे। बना के मैंने प्लेट में रख दिया है। देखें ड्रमस्टिक की मैंने शेप दे दी है। अब मैं इसको पहले बैटर में डिप करूंगी, देन ब्रेड क्रम्स। देखें इस तरीके से एक स्टिक को हम उठाएंगे, ऐसे इसमें डिप करेंगे। अगर आपका बैटर थोड़ा सा रखे रखे ठीक हो जाए तो आप इसके अंदर हसब ज़रूरत वाटर ऐड करके फिर इसको यूज़ करें। अब इसको ऐसे रखते रहेंगे बैटर के अंदर, फिर ब्रेड क्रम्स में। देखें इस तरीके से इसी तरह तमाम पे हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे हम, कलर आ जाए अच्छा सा। हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई नहीं करना है। गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं ये। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी ताकि दूसरी तरफ भी इसका अच्छा सा
सा कलर आ जाए। कलर आ गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छी तरह ऑयल निकाल के इसको निकाल, इतना प्यारा कलर आया है इसमें माशाल्लाह। ये देखिए, ये है ड्रम स्टिक का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।